Bismillah. 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 ये एग्ज़िबिशन हमारे एक यंग आर्टिस्ट जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में बहुत अपना नाम कमाया, जावेद इकबाल साहब सोपोर से हैं, तो इन्होंने का ये एफ़र्ट है कि जो यहाँ के हमारे लीजेंडरी शायर थे जो गुज़र गए हैं, शमस फ़कीर, वहाब खार, लल वगैरह वगैरह, और आजकल के जो कंटेम्प्रेरी शायर हैं जो आजकल ज़िंदा रह के काम करते हैं, तो उनकी शायरी को उठा के, एक एक कपलेट को उठा के ही हैज़ प्रोड्यूस सम ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स, पेंटिंग वर्क्स। ये एक गयूर आर्ट फाउंडेशन का एक एफर्ट है, क्योंकि कोविड वगैरह पिछले एक दो साल में हुआ था तो हम फिज़िकल एग्जिबिशन नहीं कर पाए, सो कोविड के बाद ये पहला एक फ़िज़िकल इवेंट है जो हम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम अभी और लाते रहेंगे। और दूसरे साइड से इसमें एक ख़ास बात है इस एग्जिबिशन में, चूँकि एक जो स्ट्रगल यहाँ के आर्टिस्ट कर रहे थे, आर्ट गैलरी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये जो सारा शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स है इसको एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स के हवाले से इनॉग्रेट किया, तो उसमें एक इग्नोरेबल एग्जिबिशन हुआ था, बट दिस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हम आज शो कर रहे हैं ये इन्होंने नॉमिनेट की है आर्ट गैलरी के लिए। तो हमने सोचा कि नहीं, रेनोवेशन में ये बहुत सारा टाइम लगेगा, वाई टू वेस्ट द टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। सो हिस्टोरिकली इट इज़ द फर्स्ट वन मैन शो, फर्स्ट शो ऑफ पेंटिंग इन आवर ओन आर्ट गैलरी ऑफ कश्मीर।